डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित राज्यपाल श्री लालजी टंडन, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह, राज्य सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र, कुलपति डॉक्टर रमेश चंद श्रीवास्तव, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय संस्थान के रूप में इस विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह त्योहारों के उल्लास भरे वातावरण में हो रहा है। दीपावली के बाद सूर्य पूजन का पर्व छठ पूजा कल ही समाप्त हुई है। आज छठ पूजा किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र तक सीमित न रहकर ग्लोबल होती जा रही है और इसका श्रेय यदि किसी एक राज्य को जाता है तो वो है बिहार राज्य। मैं सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, साथ ही मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई देता हूं। आप सबके उत्साह और ऊर्जा को देखकर आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। इस संस्थान में आकर सहज ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति जीवंत हो जाती है। उन्होंने अपने संघर्ष और संकल्प से बिहार और देश का नाम रोशन किया। उनका विद्यार्थी जीवन सबके लिए प्रेरणादायी। आप सभी उनके जीवन के बारे में जानकर स्वावलंबन और सादगी की प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ समस्तीपुर में ही प्रख्यात मैथिल कवि विद्यापति की निर्वाण भूमि के कारण उनके नाम से यहाँ एक ब्लॉक और रेलवे स्टेशन भी है। शहीद खुशीराम बोस के जीवन से जुड़ा होने के कारण यहाँ उनके नाम से भी एक रेलवे स्टेशन है। और सबसे बड़ी बात, समस्तीपुर के सपूत कर्पूरी ठाकुर न केवल बिहार के मुख्यमंत्री बने बल्कि उन्होंने समाज के हर वर्ग, विशेषकर पिछड़े वर्गों के हित में अपना अतुलनीय योगदान दिया। इस तरह हम देखते हैं कि कविता से क्रांति तक और सामाजिक समरसता से कृषि तक अनेक क्षेत्रों में समस्तीपुर ने अलग प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज ये भी सुखद संयोग है कि कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र और राज्यसभा सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी भी आज यहाँ मौजूद हैं। बिहार के राज्यपाल के रूप में मुझे यहाँ के जनजीवन को बहुत नज़दीक से देखने का सुअवसर मिला। यहाँ के लोग अपने सरल स्नेही स्वभाव और अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। मेरे हृदय में बिहार के लिए एक विशेष स्थान है। मैंने देखा है कि जिस छठ पर्व की हम बात करते हैं, छठ पूजा के अवसर पर जिस तरह सभी लोग मिलकर राज्य की हर गली, हर सड़क और हर घर को स्वच्छ बना देते हैं, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इस दृष्टि से छठ त्योहार को स्वच्छता और सहभागिता का महापर्व भी कहा जा सकता है। मैं जब यहाँ राज्यपाल था तब भी मैं कभी कभी मुख्यमंत्री जी से साझा किया करता था कि इस 3 दिन के इस छठ पर्व की भावना अगर 365 दिन बनी रहे तो बिहार के प्रतिभाशाली लोग
पूरे देश के लिए समग्र विकास विशेषकर स्वच्छता अभियान के नए उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मेरा बचपन बीता और प्रारंभिक शिक्षा मिली। अतः खेत खलिहान और किसान से जुड़े इस समारोह में भाग लेकर मुझे विशेष संतोष का अनुभव हो रहा है। मुझे देश के किसान बहनों भाइयों और कृषि वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले हमारे देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। आज वे खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। समस्तीपुर की इस बेहद उपजाऊ धरती पर जहाँ के मेहनती किसानों की अलग पहचान है, और शायद यही कारण रहा होगा जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि सन 1905 में भारत का पहला आधुनिक कृषि संस्थान इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के नाम से स्थापित हुआ था। और 1970 में वही संस्थान राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ और आज वही संस्थान अपने वर्तमान रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बन चुका है। बिहार का राज्यपाल होने के नाते मैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति था और प्रायः मैं यहाँ आता था। और मुझे याद है, मुझे इसी परिसर में आयोजित एक दीक्षांत समारोह में भाग लेने का भी अवसर मिला था। आज राष्ट्रपति होने के नाते इस केंद्रीय कृषि संस्थान के कुलाध्यक्ष के रूप में आप सभी होनहार विद्यार्थियों के बीच यहाँ पुनः आना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद इस विश्वविद्यालय में 20 राज्यों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही छात्राओं की संख्या भी बढ़कर यहाँ 40% तक हो गई, जो कि एक बहुत ही सुखद एवं उत्साहदायी परिवर्तन। मैं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अधिकारियों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि जब पूरे देश से लगभग 20 राज्यों के यहाँ पर छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जिस विश्वविद्यालय का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम से है, तो कम से कम इन सभी बच्चों को उनकी जो जन्मस्थली है जीरादेही गांव, वहां पर इनको भ्रमण कराने की जरूर व्यवस्था करें। अन्यथा मैं सोचता हूं कि जो 20 राज्यों के विद्यार्थी हैं, 20 में एक अपना प्रदेश हो गया बिहार राज्य, 19 के तो हैं ये 19 के जब शिक्षा और डिग्री लेकर के चले जाएंगे तो उनसे कोई पूछेगा कि आप किस विश्वविद्यालय के स्नातक हैं, स्वाभाविक है डॉक्टर राजेंद्र बाबू का। और अगर किसी ने ये पूछ दिया कि आप उनकी जन्मस्थली पर गए थे कभी, तो शायद उनको भी एक मन में ग्लानि होगी। तो मुझे लगता है उस ग्लानी से यदि आप इनको इन सबको यदि बचा सकते हो तो वाइस चांसलर साहब आप ऐसी व्यवस्था जरूर करें। और वहाँ जाकर के मुझे विश्वास है कि जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं सभी को जीवन में आगे बढ़ने की और राष्ट्र सेवा के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। देवी और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय के प्रयासों से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के उदाहरण सामने आए। रबी के दौरान उगाई जाने वाली मक्का की श्रेष्ठतम प्रजाति की शुरुआत करने का श्रेय इसी विश्वविद्यालय को जाता है। साथ ही
इस विश्वविद्यालय द्वारा कृषि तकनीक में सुधार करने से बिहार में रबी के दौरान होने वाले मक्का की उत्पादकता में दुगने से भी अधिक का इजाफा हुआ है। राज्य में मशरूम का उत्पादन विकसित हुआ है, जिससे यहाँ के गरीब किसानों को विशेष लाभ पहुँचा। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सौर संचालित सिंचाई प्रणाली भी उल्लेखनीय है। राज्य के किसानों, कृषि विशेषज्ञों और सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बिहार राज्य और यहाँ के किसान अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित होते रहे, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया। अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित 11वें ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2018 में बिहार को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का अवार्ड मिला। बिहार के समग्र विकास के लिए चल रहे प्रयासों, विशेषकर कृषि क्षेत्र की ऐसी उपलब्धियों के लिए मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। हमें विज्ञान सम्मत कृषि परंपराओं और आधुनिक तकनीक व पद्धतियों का समन्वय करते हुए आगे बढ़ना होगा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि महात्मा गांधी के 149वें जन्मदिवस पर पूर्वी चंपारण जिले में महात्मा गांधी की बताई स्वदेशी कृषि तकनीक पर आधारित मेले को बहुत सफलता मिली। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए देशव्यापी प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि मंडियां ई नाम पोर्टल पर जुड़ी हैं, जिन पर बहुत बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादनों का व्यापार किया जा चुका है। नीम कोटेड यूरिया टेक्नोलॉजी के उपयोग से लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड्स तक, फसल बीमा योजना से लेकर किसान संपदा योजना तक, इन सभी प्रयासों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक बनाना है। जहां तक एक तरफ आई मंडी जैसे ऐप्स से किसानों को डिजिटल सुविधा से जोड़ा गया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारों को भी लागू किया गया। कृषि क्षेत्र को लाभकारी एवं आकर्षक बनाने के ऐसे प्रयासों के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी एवं उनकी टीम भी विशेष बधाई की हकदार है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश की आबादी को देखते हुए खेती लायक जमीन और जल संसाधन की अपेक्षाकृत कमी है, इसलिए कम से कम जमीन और पानी के इस्तेमाल से अधिक पैदावार करने के लिए निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। बीज से बाजार तक पूरी प्रक्रिया में इनोवेशन के अपार अवसर हैं, जिनका उपयोग करके आप सभी विद्यार्थी देश के कृषि विकास को अपना योगदान दे सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। इन कार्यक्रमों का बेहतर लाभ उठाकर आप सबको कृषि पर आधारित स्वरोजगार शुरू करने के विषय में भी सोचना होगा। इसके अलावा मुद्रा योजना जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे कर्ज लिया जा सकता है। बहुत से वेंचर कैपिटल फंड हैं जो कृषि पर आधारित उद्यमों में निवेश करने के लिए आगे आ सकते हैं। ऐसी सुविधाओं का समुचित उपयोग करके आप सभी विद्यार्थी अपनी जीविका अर्जित करने के साथ साथ दूसरों को रोजगार देने के लिए समर्थ हो सकते हैं। मुझे अनेक राज्यों के ऐसे उत्साही और सफल युवाओं के बारे में जानकारी मिली है, जिन्होंने उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद परंपरागत खेती से अलग कुछ नया करने का जोखिम उठाया। उन युवाओं ने फल फूल सब्जी के साथ रबी और खरीफ फसलों की खेती भी ऑर्गेनिक तरीके से शुरू की है। आज उनके उत्पादों की मांग विदेशों में भी होने लगी। मैं समझता हूँ कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थी अपनी दिशा तय करने के साथ साथ देश के कृषि विकास में भी अपना योगदान देने के लिए तैयार है। हमारे किसानों की खुशहाली ही आपकी शिक्षा की सार्थकता का मापदंड होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने,
और देश की प्रगति को योगदान देने के लिए आप पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। आज प्रसन्नता की बात है कि जिन 33 स्वर्ण पदक विजेताओं में से 25 हमारी बेटियां हैं, और हमारी ऐसी बेटियां हमारे समाज और देश के सुदृढ़ भविष्य के प्रति हमें आश्वस्त करती हैं। देश को ऐसी बेटियों पर नाज है। अंत में जिस विषय की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिलाया, क्लाइमेट चेंज, ये ना केवल 21वीं सदी बल्कि हम सब के लिए, भविष्य के लिए बहुत एक खतरे की घंटी है। उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और बहुत अच्छा है कि केंद्र सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक पहल की है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका कि इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर के उसके को फाउंडर हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। मैं इस बात का भी उल्लेख में अपनी कंसर्न को जोड़ना इसलिए चाहता हूँ, क्यों अभी तक जिन मैंने लगभग 15-16 विदेशों की यात्राएं की हैं, उन सब में हमने भारत की ओर से इस पर एक कंसर्न जाहिर किया, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और अभी एक रिपोर्ट आ रही थी, मुझे कुछ लोगों ने शेयर की कि अफ्रीका में एक कंट्री, कुछ एक इस एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम बताया था, उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र का एक भाग ऐसा है जहां पर ग्लोबल वार्मिंग की केवल मात्र 0.5 अर्थात एक से भी कम, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो गति है, वार्मिंग का जो डिग्री है वो बढ़ा, और उसके कारण से वहाँ से एक इस प्रकार का बैक्टीरिया पैदा हुआ कि जो कि मल्टीप्लाई इतना फास्ट किया उसने कि शायद 4 दिन के अंदर अंदर इतना वो मल्टीप्लाई कर गया बैक्टीरिया कि वहाँ पर लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों की बिल्कुल तुरंत उनकी हत्या हो गई, तुरंत वो स्वर्ग को सिधार गए। और कभी कभी हम लोग सुनते हैं, हम लोग पहले सुनते थे कभी कभी इस देश में भी अकाल आता था, और अकाल आता था तो पता नहीं चलता था कि इस गांव में कितने लोग बचेंगे, और वो स्थिति ना आए, इसका मैंने एक आपको केवल एक सिमिलरिटी बताई है। इसलिए यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इसलिए आप सबको ज़्यादा इसमें सचेत होकर के इस दिशा में भी आगे बढ़ना होगा, और लोगों को भी कहना, समझाना भी पड़ेगा कि आखिर है क्या। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, वो कहते क्या फ़र्क पड़ता, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता, हमारे यहाँ तो एसी लगा हुआ है, फैन है, एयर कंडीशनर है, कूलर है, काम चल जाएगा। अभी तो अच्छी अच्छी सुविधाएं आ रही हैं, आपको गाड़ी में भी बैठेंगे, किसी भी फोर व्हीलर व्हीकल में बैठेंगे तो एकदम से आप ऑन कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि बाहर क्या है, लेकिन उसका इंसान पर तो बाद में फर्क पड़ेगा, लेकिन एक यदि प्रकृति पर इतना फर्क पड़ता है तो उस प्रकृति के पर जो दुष्प्रभाव पड़ने वाला है उससे ना आप सेफ है, ना हम सेफ है, और ना धरती के लोग भी सेफ है। आज मैं फिर एक बार फिर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और इस दीक्षांत समारोह से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पदक हासिल करने वाले विद्यार्थी विशेष सराहना के पात्र हैं। मैं आप सभी के सफल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।